नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सेकंड एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट वन पार्ट टू कैसे करना है, पूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको बताएंगे सिलेबस क्या है और फॉर्म को भरने की बारीकियाँ क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये खुला हुआ है, इसमें सारी जानकारी दी है, निगेटिव मार्किंग वगैरह की भी दिया हुआ है, देख सकते हैं सब दिया है, पूरा डिटेल्स दिया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टोटल इस बार 344 पोस्ट है, एग्जाम कब होना है और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। यहाँ दोस्तों ट्रस्टेबल, जेन्युइन और सबसे सही जानकारी के लिए rozgarresult.com। आप देख सकते हैं टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे यूपीएससी सीडीएस का फॉर्म दिया हुआ है, जहां से आप इसका लिंक मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन का। मैं आपको एक लिंक और बता देता हूं, फिर हम चलेंगे सीधा फॉर्म भरने पे। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkarirezult.com। यह दोस्तों ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही पुरानी वेबसाइट, लेकिन गूगल पे जब भी आपको सरकारी रिजल्ट डालना है तो लास्ट में .com और ये लोगो जरूर चेक करना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई है। तो सीधा हम यूपीएससी सीडीएस पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसकी बेसिक जानकारी बता दूं, उसका फॉर्म 5 अगस्त से स्टार्ट है और 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 200, एससी एसटी और महिलाओं की कोई फीस नहीं है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम की तो इसका एग्जाम 8 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है और एडमिट कार्ड इसका अक्टूबर में आ जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 साल है, जो कि 1 जुलाई 2021 से कैलकुलेट होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको देख सकते हैं यहाँ टोटल पोस्ट दी हुई है कि आईएमए में आप देख सकते हैं 100 है, नवल में 26 है, ओटीए में 186 है और एयरफोर्स अकेडमी में 32 है। सीधा हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगला पेज खुलने पर आप देख सकते हैं इसमें यूपीएससी के दो फॉर्म चल रहे हैं, एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का चल रहा है, एक कंबाइंड मेडिकल सर्विस का चल रहा है। तो सबसे पहले हमको सीडीएस वाले फॉर्म पे ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्रीमेंट आएगा, उस पर हम क्लिक करके यस कर देंगे। यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ नाम डालना है, आपको अपना जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, आपको आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, जनरल ओबीसी डब्ल्यू जो भी उसको आप डाल सकते हैं। अगर आप ओबीसी ये वगैरह से है तो आपको यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट की डेट है वो डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल से ताल्लुक रखते हो तो कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जनरल कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ है, दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग का, और तीसरा ऑप्शन है कि आपका ग्रेजुएशन है लेकिन आपने जो है 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट में अपना एड्रेस डाल दूंगा। डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर से ईमेल आईडी डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों इतनी चीजें मैं भरता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अपना आईडी प्रूफ का नंबर डालना है, जैसे कि आप आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, कोई भी आईडी हो या वोटर आईडी, कोई भी चीज इस तरीके से डाल सकते हैं। मैं अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, दोबारा इसको कंफर्म करना है, मैंने उसको डाल दिया है, ये आपको समझाने के लिए मैंने डाला है। इसके बाद पूछा कि आपके पास डीजीसीए का पायलट का लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको देना है प्रेफरेंस कि आप पहले किसको देना चाहते हैं और बाद में किसको लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले एयरफोर्स को ले लेता हूँ, सेकंड पे आईएमए ले लेता हूँ, थर्ड पे एनए ले लेता हूँ, चौथे पे ओटीए। मान लीजिए अगर आपका नहीं लेता या जो लोग अदर वाले यानी मैथ नहीं है तो उनके भी केवल ओटीए आएगा, तो उनको यहाँ पे ओटीए पे क्लिक करना पड़ेगा, बाकी पे आपको जीरो करना पड़ेगा। तो देख सकते हो उस पर एनसीसी का पूछ रहा है, एनसीसी अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सैनिक स्कूल का पूछ रहा है, अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सारी चीज मैंने चेक कर लिया, मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपकी पूरी क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ रही है, आपको जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेना है पूरी डिटेल्स, कुछ भी गलत तो नहीं है आपका। दोस्तों सारी जानकारी मैंने अपनी देख ली है, अगर आपको लगता है कुछ भी करेक्शन है तो अपडेट पे ले जाके उसको सुधार कर लीजिए, अगर लगता है सब कुछ सही है तो एग्री करके आगे बढ़िए, मैं एग्री करके आगे करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया, इसको आप इसकी फोटो खींच सकते हैं या अगर आपका प्रिंटर हो तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे आपका फॉर्म बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको पार्ट टू करना है और हमें आपको बताना है कि सिलेबस भी कहाँ मिलेगा। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ फिर पार्ट टू। ये देख सकते हैं सिलेबस आपको sarkarirezult.com rozgarresult.com पर मिल जाएगा। मैं आपको उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको सिलेबस वगैरह डाउनलोड करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। हम चलते हैं पार्ट टू पे। दोस्तों पार्ट टू के लिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको
दोबारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस तरीके से आपको सिर्फ कैप्चा डालना है और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ डाली, वहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दोबारा डालना। दोस्तों आपको बता दें ये ऑप्शन आपका जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होता है तो उनको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद उनका फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन खुलेगा, मैंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ फोटो लगानी है, सिग्नेचर लगाना है और यहाँ पे आपको अपने जो आईडी प्रूफ आपने वहाँ पे दिया था, जैसे मैंने XYZ करके दिया था वोटर आईडी का, यहाँ पे उसको जो PDF कॉपी लगानी है। तो चलिए दोस्तों तीनों चीज़ में लगाता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, आपको इस तरीके से विजुअल में दिखाई दे रहा होगा। आपको इसमें फोटो अपलोड करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए तो मैं बता दूँ, फोटो सिग्नेचर का साइज जो 20 KB से ऊपर होना चाहिए और साइज अगर आप उसको MS वर्ड पे सेट कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट जो आता है MS का उस पर अगर सेट कर रहे हैं तो आप उसको सिंपली 600x600 कर दीजिएगा फोटो सिग्नेचर, तो आपका बहुत ईजिली जो है ये सेट हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ किस किस तरीके की फोटोज में आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं फोटो आपकी किस किस तरीके से एक्सेप्ट है, ये देखिए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाइए चाहे कलर फोटो लगाइए, लेकिन फोटो क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आप चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए, ब्लैक पेन से कीजिए चाहे ब्लू पेन से कीजिए, लेकिन दोनों ही एक्सेप्ट है। लेकिन अगर आप इस तरह की छोटी फोटो लगाते हैं, ब्लड फोटो लगाते हैं, इस तरह का धुंधला सिग्नेचर छोटा सिग्नेचर लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर लगाइए जैसे मैंने लगाई है। तो चलिए सब कुछ सही, हम कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू करके आगे चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इस बार CDS के फॉर्म में लिमिटेड ही सेंटर है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रेड कलर से शो करेगा वो उसका मतलब वो एग्जामिनेशन सेंटर उपलब्ध नहीं है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पहले से फॉर्म भर चुके हैं और वो सेंटर फुल हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए क्योंकि सेंटर लिमिटेड है। अगर आपको दिल्ली सेंटर लेना है, लखनऊ लेना है, प्रयागराज लेना है, कोटा लेना है, जयपुर लेना है, ये सब सेंटर्स में बहुत ही कम सीट्स रहती है, आप बिल्कुल ही टाइम इसका वेस्ट मत कीजिए क्योंकि अगर ये सेंटर फुल हो गए तो यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये सेंटर फुल हो चुका है जैसा कि इन्होंने दे रखा है। तो आपको पहले आओ पाओ के हिसाब से है, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाट बेसिस पे इन्होंने जो कर रखा है, तो बिल्कुल ही आप जो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। सब कुछ चेक करने वाले यहाँ पे आपको अपने वोटर आईडी कार्ड पे जो मैंने नंबर दिया नंबर डालना है, यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना है और नीचे आना, आप देख सकते हैं नीचे आना और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हमने दे रखे हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के, सिलेबस के सारे लिंक दे रखे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ जब भी सरकारी रिजल्ट खुलेगा .com जरूर लगाइएगा और नई नई भर्ती के लिए rozgarrizult.com पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।